हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान पढ़ियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ वो झारखंड सरकार की तरफ से निकल के आई है दोस्तों। और ये जो कैंडिडेट 9th पास और 10th पास जो कैंडिडेट पास किए हैं उसके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। डायरेक्ट गवर्नमेंट ये डायरेक्ट जॉब के रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ये रोजगार मेला के रिकॉर्डिंग है दोस्तों, इसमें सीधे भर्ती होगी दोस्तों। तो अगर अभी तक हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, हम लोग का जब वीडियो देखते हैं तो नीचे में देखिएगा, हम लोग का वीडियो के जस्ट नीचे में लेफ्ट साइड में हम लोग का चैनल का नाम होगा और लोगो होगा। राइट साइड में वीडियो के नीचे में ही सब्सक्राइब बटन और बेल की घंटी होगी। तो दोस्तों इसमें करना क्या होगा, पहले आप लोगों को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद आप लोगों को बेल की घंटी को क्लिक कर देना होगा दोस्तों। और जो फिर नोटिफिकेशन रोज पाने के लिए हम लोग को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों मैं जैसे आप लोगों को दिखाई देता होगा, मैं यहाँ पे क्रोम पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो झारखंड रोजगार का पोर्टल ओपन हुआ है जिसको वेबसाइट दिया गया है jharkhandrozgar.nic.in, इसके आप लोगों को पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, आप लोग सीधे थोड़ा नीचे आ जाइएगा, नीचे में राइट साइड में देखिएगा, जिससे आप लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है भर्ती कैंप रामगढ़ बेहतर 6 दिसंबर 2018 दिया रहा है, इसी में आप लोगों को क्लिक करना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग का एक PDF डाउनलोड हो जाएगा जो मैं पहले से डाउनलोड करके और ओपन करके रखा हूँ। सीधे चल के हम लोग क्लिक कर देते हैं क्या डिटेल दिया गया है दोस्तों। आप लोगों को जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि झारखंड सरकार की तरफ से ये मेला लग रही है अगर जॉब के लिए, जो आप लोगों का 6 दिसंबर को ये मेला होगा, कहाँ होगा वो मैं आगे देखते हैं। और ये जो होगा 10:30 से 3 बजे तक चलेगा बोल के बताया जा रहा है। ये जो इस कैंप में G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर में उपस्थित होने के लिए बताया जा रहा है, जिसमें पोस्ट का जो नाम है 4 दिया गया है, चारों सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। टोटल जो वैकेंसी इसमें दिया गया है 1650 दिया गया है, 1650 वैकेंसी है। पहला वाला के लिए 9th पास, बाकी वाले सबके लिए 10th पास मांगा गया है। एज जो दिया गया है एज 18 से 35 सबके लिए दिया गया है। और इसकी जो सैलरी रेंज दी गई है हर लोकेशन के लिए अलग अलग दिया गया है, जैसे आप लोगों को दिखता होगा हैदराबाद के लिए 9900 है, नोएडा के लिए 9614 है, चेन्नई के लिए 11000 दिया गया है, और कर्नाटका के लिए जो दिया गया है 12972 दिया गया है। इसमें जो दिया गया है हाइट के रिकॉर्डिंग भी दिया गया है, हाइट कितनी कितनी होनी चाहिए। पहला वाला हैदराबाद के लिए जो दिया गया है, ये हैदराबाद के लिए जो दिया गया है 162 सेंटीमीटर दिया गया है, 168 दिया गया है, 165 दिया गया है, और 165 जो दिया गया है चेन्नई और कर्नाटक के लिए दिया गया है, और हैदराबाद के लिए 162 दिया गया है, नोएडा के लिए 168 दिया गया है। नीचे में जो मैसेज दिया गया है क्या दिया गया देखिए, योग एवं इच्छुक उम्मीदवार जो खुद से निलंबित नहीं है वे अपने निकटतम परियोजनालय में अथवा www.jharkhandrozgar.nic.in पर अपना निलंबित करते हुए उपयुक्त वैकेंसी कैंप में नियोजक पुलिस नियोजक में प्रतिबंधित के क्रम सक्षम अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों में एवं उसके एवं छाया प्रति तथा बायोडाटा 2 कॉपी के साथ सचार हेतु उपस्थित हों बोल के बताया गया है। और एक मैसेज उसके साथ ही जो दिया गया है ये बोल्ट में जो दिया गया है, बोल्ट में देखिए किया गया है, मेला के दिन स्थानीय नियोजनालय पर निलंबित नहीं किया जाएगा, ये किया गया है। मतलब आपका जो 6 तारीख का जो डेट है, ये 6 तारीख को जो आप लोगों का होगा 10:30 से 3 बजे तक, उस दिन आप लोगों को निलंबित नहीं किया जाएगा, आप लोगों को 6 दिसंबर से पहले ही करना होगा, और आप लोगों को 6 तारीख को 10:30 से 3 बजे तक आना होगा, G4U सिक्योर सॉल्यूशन जमशेदपुर में उपस्थित होना होगा। तो दोस्तों अगर जो जो 9th और 10th पास किए हैं और सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करना चाहते हैं और जिसकी लोकेशन होगी हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, कर्नाटक, और सैलरी को जैसे मैं पहले बता दिया हूँ कितनी सैलरी और जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करें और एक बार ज़रूर विजिट करें।
तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें।